जनाब सदर मौजूद सालसा किराम मेरे हम जमा साफी और सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कभी पेड़ न बनता न मेरा साया होता, न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, न होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, मुझमें मेरा अक्स जो तूने न दिखाया होता। सदरियान पुकार, आज मुझे जिस मौजू पर नखुशाई करने का मौका दिया गया है वो है वालदैन। सदर मोहतरम, वालदैन कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तले जन्नत तो बाप जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाज़ा। माँ एक पहलूल जज्बे और मोहब्बत का पैकर तो बाप खलूस दिलजोई का हसीन शहकार। गर्ज से है कि दोनों हस्तियाँ वो हैं जिनके बिना ना तो हमारी कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। सदर मोहतरम, इन हस्तियों के कदरदान रज़ा इलाही के तलब है। दुनिया और आखिरत की सरफराजी भी उनका मुकद्दर बनती है। बच्चे जितने भी बुरे हों, वालदैन कभी उनके हक में बुरा नहीं सोचते। वालदैन की मौजूदगी एहसास बहर होती है, उनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है, और जिनकी रजाई से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की सातें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा इस दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसमें वालदैन की बेलोस मोहब्बत शामिल न होती हो। हमें अपने वालदैन की हर लिहाज से कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने वालदैन की दुआएं लें। मुखालिफ वक्त को हर बदगुमा को रोक रखा है, हर एक हासिद की जहरीली जुबान को रोक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बाइस कोई आफत, उतर सकती मुझ पर किसी बाइस कोई आफत, मेरी माँ की दुआ ने आसमान रोक रखा है। सदयानिकार, वालदैन इस दुनिया का अजीम रिश्ता है जिनको करीब पाकर हम अपने आप को ताज़दम महसूस करते हैं। माँ हो या बाप, उनकी एक मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई राहत का शाखसाना होती है। ए हवा सुन ले जरा, सब कुछ मेरा बस इनसे है, चारों जानब ये फिजा मुझ पे आता बस इनसे है, इनकी दुआ मेरी शफा हर आसरा बस इनसे है। आखिर मैं सच्चे दिल से खलूस नियत से सच्चे जज्बू से ये दुआ करती हूँ कि खालिक कायनात हमारे वालदैन का साया हमारे सर पर कायम रखे। आमीन सुमा।